सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने का क्या महत्व है? रुद्राभिषेक करने के क्या लाभ हैं? पूजा की तैयारी कैसे करें और इसे करने का सही तरीका क्या है? साथ ही रुद्राभिषेक करने के क्या नियम हैं? रुद्राभिषेक की पूजा के क्या फ़ायदे हैं और सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से हमें क्या लाभ होता है? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक को बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। भगवान शिव, जिन्हें कि भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, भक्तों पर अपार कृपा बरसाने वाले हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक से ही भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी। रुद्राभिषेक का मतलब है रुद्र का अभिषेक, यानी भगवान शिव, जिन्हें कि रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, उनका शुद्ध जल, दूध, दही, गन्ने के रस, अनार के रस आदि से स्नान कराना। भगवान शिव को रुद्राभिषेक अत्यंत ही प्रिय होता है और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान से रुद्राभिषेक करता है, भगवान शिव उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन का ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। इसी कारण से भगवान शिव को ये महीना अत्यंत ही प्रिय होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी अपने भक्तों पर अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई जगहों पर शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। अगर आप भी किसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो सावन के इस महीने में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। ज्योतिष के अनुसार श्रावण मास यानी शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक यदि किया जाए तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि जीवन में यदि कोई कष्ट हो या मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करके देखें। ऐसा करने से निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक रोगों से भी छुटकारा दिलाता है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को यदि रुद्राभिषेक करेंगे तो जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रुद्राभिषेक से प्रसन्न होकर महादेव कोई भी इच्छा पूरी कर देते हैं। सावन के दिनों में आप भी किसी भी दिन शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आपको उत्तम फलों की प्राप्ति देता है। रुद्राभिषेक को शिव जी को प्रसन्न करने का एक रामबाण उपाय है। रुद्राभिषेक की पूजा की तैयारी कैसे करें? यदि रुद्राभिषेक पूजा विधि मंदिर में कर रहे हैं तो आपको जहां शिवलिंग है वहीं पूजा करनी चाहिए, और अगर आप घर में रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो फिर आपको उत्तर दिशा में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और पूर्व दिशा की ओर होकर के पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग के साथ ही गणेश जी, अन्य देवता व नवग्रह के पूजन के लिए भी पूर्व दिशा में एक चौकी पर सभी को स्थान देना चाहिए। रुद्राभिषेक के दिन सभी परिवार के लोग स्नान ध्यान कर पूजा के लिए सही समय पर पहुँचें। घर को आशा पाला के पत्तों और फूल मालाओं से सुसज्जित करना चाहिए। रुद्राभिषेक शुरू होने से पहले ही पूजन सामग्री एवं अन्य तरह की तैयारियां कर लें। रुद्राभिषेक पूजन में बहुत से मंत्रों का उच्चारण होता है, इसलिए इसके लिए अनुभवी पंडित द्वारा ही यह पूजा करवानी चाहिए। गलत मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों के उच्चारण से पूजा का दुष्प्रभाव पड़ेगा और भोलेनाथ रुष्ट हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि रुद्राभिषेक को करने का सही तरीका क्या है और क्या हैं इसके नियम। रुद्राभिषेक पूजा में शिवलिंग पर जलाभिषेक शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश को तिलक,
चावल, फूल, नैवेद्य, दूर्वा और दक्षिणा अर्पित करें। अन्य आह्वान किए गए देवताओं और नवग्रह की पूजा करें। अभिषेक के लिए सबसे पहले गंगा जल डालें और रुद्राभिषेक शुरू करें। फिर आचमनी से गन्ने का रस, शहद, दही, दूध यानी पंचामृत समेत जितने भी तरल पदार्थ हैं उनसे शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और फिर पान का पत्ता आदि सभी चीज़ें शिव जी को अर्पित करें। बेलपत्र पर चंदन से ओम बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव के भोग के लिए व्यंजन बनाकर रखें, उन सभी व्यंजनों को शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की आरती उतारें। रुद्राभिषेक के जल को पूरे घर में छिड़कें। भगवान शिव को शुद्धता से घर में बनाए व्यंजनों का भोग लगाएं। रुद्राभिषेक पूजा के फायदे क्या हैं? रुद्राभिषेक पूजा से घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बन जाता है। रुद्राभिषेक करने से इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान रुद्र में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए जब हम रुद्राभिषेक कर रहे होते हैं तो उससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। किसी व्यक्ति के यदि काल सर्प योग लगा हो तो उसे शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, इससे काल सर्प योग का प्रभाव दूर हो जाता है। यदि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करते हैं तो ये अति फलदायी सिद्ध होता है। अब आइए जानते हैं कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ मिलते हैं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना क्यों ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है? भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से हमें अनेक लाभ मिलते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर हम जल से अभिषेक करते हैं तो वर्षा होती है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप जल से रुद्राभिषेक करें भगवान शिव का। अगर घर में असाध्य रोग है, किसी को रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आप असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। अगर आप भवन बनवाना चाहते हैं नहीं बनवा पा रहे हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं तो भगवान शिव का दही से रुद्राभिषेक करें। आर्थिक लाभ के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें, इससे आपको धन का लाभ होगा। धन की वृद्धि के लिए शहद और घी से अभिषेक करें। अगर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप बीमार रहते हैं, दवा काम नहीं कर रही है या आपके घर में कोई बीमार रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इत्र मिले जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए धृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति के लिए भी दूध से अभिषेक किया जाता है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। अर्थात आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, आपको ज्ञान चाहिए तो शक्कर मिले दूध से अभिषेक करें, इससे ज्ञान में वृद्धि होगी। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। शहद से अभिषेक करने पर
तपेदिक यानी टीबी की बीमारी दूर हो जाती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर शहद से रुद्राभिषेक करें। गाय के दूध से तथा शुद्ध घी से अभिषेक करने पर आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यदि पुत्र की कामना है तो शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें, पुत्र की प्राप्ति निश्चित होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रुद्राभिषेक के बारे में कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने के क्या फ़ायदे हैं, आपको रुद्राभिषेक कैसे करना चाहिए, इसका क्या महत्व है। दोस्तों, सावन के महीने में आप भी अगर शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रुद्राभिषेक करें और शिव जी की कृपा प्राप्त करें। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।